नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, किसी भी जगह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो, आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एक न्यू वैकेंसी रिलीज़ करी गई है इंडिया देश के दिल्ली जगह पर। इंडिया देश की जो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी है, यानी इंडिया देश की जो कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, इस जगह पर एक बड़ा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, जो कि दिल्ली जो डिजिटल एग्रो कॉर्प्स, ये जो है कंपनी का नाम है डिजिटल एग्रो कॉर्प्स, और इस कंपनी को रिक्रूट करने हैं काफ़ी सारे लोग। ये प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? साफ सी बात है, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप फॉर्म भर देना इसके ऊपर। इसमें मैं बता दूं, इंडिया देश के सभी लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल होंगे, और ये वैकेंसी बिल्कुल एक्चुअल में आई हुई है, और ये दिल्ली जगह के अंदर ये वैकेंसी रहेगी, ठीक है? लेकिन इसमें एलिजिबल पूरे इंडिया देश के सभी लोग रहेंगे, ठीक है? अगर आप लोग हरियाणा से हो, मेघालय से हो, इंडिया देश में किसी भी जैसी जगह से हो जो दिल्ली के बाहर की है, सपोज़ मान लेते हैं आप लोग किसी भी यूनियन टेरिटोरी के हो, ठीक है? मैं मान लेता हूँ कि आप लोग किसी ऐसे राज्य के हो, जैसे महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, वेस्ट बंगाल के हो, त्रिपुरा के हो, तेलंगाना के हो, महाराष्ट्र तो मैंने बोल ही दिया, प्लस इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, या फिर कोई से भी दोस्तों, कर्नाटका, केरला, किसी भी जगह के आप लोग हो सकते हो ना इंडिया देश में। इंडिया देश में कहीं के भी आप लोग हो तो आप लोग इसमें एलिजिबल रहोगे, ठीक है? आपको मैं बता दूंगा, ये नोटिफिकेशन आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यही नोटिफिकेशन है, इसका कोई अलग से फाइल नहीं है। आप ध्यान से सुने, यहाँ पर टोटल लोगों की रिक्रूटमेंट जो होनी है उनकी संख्या मैं एक बार लोगों को क्लियर कर दूँ। टोटल देखिए, 2073 लोग इस कंपनी में रिक्रूट होंगे। दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन इसमें मैं आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी मिलेगी, एज कितनी रहेगी। आपके नोटिफिकेशन में होता क्या है, यही सब तो होता है ना, कि भाई क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी मिल रही है हमें, और कितनी एज हमसे ली जाएगी अप्लाई करने के लिए, और प्लस हमारे को अप्लाई कैसे करना है, यही सब चीज़ें आपको चाहिए होती है, लिंक चाहिए होता है अप्लाई करने का, ये सब कुछ इस फाइल इसके अंदर सारा कुछ आपको दिखेगा। प्लस दोस्तों, ट्रस्टेड है, ठीक है? ये प्राइवेट कंपनी है और ये इंडिया देश के दिल्ली जगह पर आपको रिक्रूट कर रही है, जो कि इंडिया देश की कैपिटल है, यानी कि NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, और इस जगह पे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है? अब ये आपको बता दूं, 28 तारीख इसमें लास्ट डेट रखी गई है, 28 फरवरी को फॉर्म क्लोज होना है इस वैकेंसी पर, यानी आज से आपके पास अभी भी 10 दिन है, 10 डेज हैं, अगर आप लोग ये प्राइवेट कंपनी में इसमें जॉब लेना चाहो दिल्ली में ले सकते हो, 10 दिन अभी आपके पास हैं इसके अंदर, ठीक है? 10 डेज हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो को लाया जाए, आपके साथ डिस्कस किया जाए। आपको मैं बताना ये भी चाहूँगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगी, सिर्फ दिल्ली में ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखना, इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है? इंटरव्यू होगा, आपको बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू होगा, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू बेसिकली आप जानते ही हो, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इस वैकेंसी में आप लोग ये वाला जो पोस्ट लोगे, इसके लिए आपको क्या क्या कुछ आता है, थोड़े वो 4-5 सवाल पूछेंगे बस। आप प्राइवेट कंपनी है तो इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगी, और डेफिनेट सी बात है वो रिक्रूट का आपको कर लेगी। तो इंटरव्यू होना है सिर्फ, और आपके सारे इंटरव्यू और आपकी जो क्वालिफिकेशन आप लोग फॉर्म में बताओगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको करने होंगे। जैसे आप अगर 10th पास बता रहे हो अपने आप को, 12th पास बता रहे हो, या किसी ट्रेड की क्वालिफिकेशन बता रहे हो, या किसी फील्ड का ग्रेजुएट अपने आप को बता रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको उसके सर्टिफिकेट जो है वहां पर दिखाने होंगे, बस, ठीक है? बस इतना आपको करना होगा। अगर आप लोग इतना कर सकते हो, मतलब अपना इंटरव्यू निकाल सकते हो और अपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ दिखा सकते हो, तो आपको ये वैकेंसी आपके हाथ में होगी, ठीक है? और इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ तो मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, कोई एग्जाम जैसी चीज़ यहाँ होगी नहीं। टोटल वैकेंसी है 2073 टोटल वैकेंसीज है, पोस्टें लगभग 13 पोस्ट है, ठीक है? लोगों को टोटल बता दूँ, 13 तरह की पोस्ट है। अभी ऐसे लोग होंगे जो लोग ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, या जो लोग मास्टर्स रख रहे होंगे किसी फील्ड में, या जो लोग मान के चले वो उस कोर्स में पास आउट होंगे जो कि पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है, तो आप लोग उस पोस्ट पर तो अप्लाई कर ही सकते हो। जैसे अगर आप लोग ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएट के साथ साथ 10th 12th पास वाली और उससे कम क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, इंडिया के सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग सेपरेटली अलग अलग फॉर्म भर लेना, मतलब अगर आप लोग मान के चले आप लोग अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल, जैसे यहां पर पोस्ट का नाम है फील्ड मैनेजर और एक पोस्ट का नाम है आप लोगों का मेंटेनेंस सुपरविजन, तो अभी कैंडिडेट जो है ना वो ग्रेजुएट है, और कैंडिडेट जो है बीएससी ग्रेजुएट है, वो बीएससी किसी फील्ड से हो सकता है, ठीक है?
है ना, तो वो इस पोस्ट को ले सकता है, लेकिन वो इतना ध्यान रखेगा कि ग्रेजुएट अगर वो बीएससी से है तो वो उस पोस्ट को लेने के लिए सिंपल सा उसको इतना करना होगा कि वो बीएससी फील्ड मैनेजर पे भी अप्लाई कर सकता है और मेंटेनेंस सुपरविजन पर भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और हो सकता है वो 12th पास वाली वैकेंसी को भी ले सकता है। कन्फर्म्ड इतना ही है कि आप लोगों को अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस का प्रोसेस करना होगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसका फॉर्म भरने का वीडियो दूंगा। टोटल वैकेंसी 2073 इसमें रहेंगी, ठीक है। सभी को दिल्ली में आना होगा इस वैकेंसी को लेने, इस बात का ध्यान रखना। अभी मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस वैकेंसी पर इंटरव्यू होना कहाँ है, तो वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो सभी लोग इंडिया के जितने भी लोग इस वीडियो में सुन रहे हैं, भारत देश इंडिया कंट्री के जितने भी लोग हैं, सभी लोग आगे तक जरूर रहे वीडियो में, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 10 दिन आपके पास समय है, तो आप अगर शेयर करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, तो लोग आसानी से इसमें फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। आपका भी भला हो और सामने वालों का भी, यानी कि और लोगों का भी, आप लोग इसमें शेयर करके बता सकते हो कि भाई वो लोग भी अप्लाई कर लें, ठीक है। चलिए, तो आपके साथ पहले नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने आपको नोटिफिकेशन वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया, यही नोटिफिकेशन है, ये वीडियो के नीचे है, और अप्लाई लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दिया है। पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद अपना फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए, एक बार आगे चलते हैं। ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म भर सकेंगे। देखिए, यहाँ पे बता दूँ, लेटेस्ट दिल्ली जॉब वैकेंसी 2023 की है ये, और आप देखोगे ये डिजिटल एग्रो कॉप्स, ये जो है इसका नाम है, और इनके द्वारा ही रिक्रूटमेंट आया है। और बता दूँ, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। आपको बस इतना है कि आपको सैलरी मिलेगी और ये कंपनी आपको रिक्रूट कर लेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जितने भी हो, इंटरेस्टेड लिखा है ना, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि दिल्ली का हो या पंजाब का हो, हरियाणा का हो। अब मैं इतना मानता हूँ कि इसमें इंडिया के आउटसाइडर शायद इसमें एलिजिबल नहीं है, लेकिन इंडिया के जितने लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। इंटरेस्टेड जितने भी लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं थ्रू गिवन लिंक। कंपनी की वेबसाइट का एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, कंपनी वेबसाइट, ये कंपनी की ही वेबसाइट का आप लिंक देख रहे हो अभी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, किसी को कहीं जाना नहीं है, अपने फ़ोन से या लैपटॉप से इन सबसे फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन इनवाइट फॉर इंडस्ट्रियल, आप देखोगे इंडस्ट्रियल एंड प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर ऑफ दिल्ली स्टेट में जो है आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी, यानी दिल्ली जगह पर जो इनका जो है आपके यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल और प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर है, और इसके अंदर ये आपको रिक्रूट कर रहे हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको सिर्फ ऑनलाइन भरना है। लास्ट डेट आपको बता दूँ इसमें सबमिट करने का है, 28 तारीख, इसी महीने की 28 तारीख, यानी कहीं ना कहीं आपको अभी आपके पास 10 दिन का समय रहेगा, 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आप लोग 28 तारीख में फॉर्म इसमें जमा कर सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना। देखिए, यहाँ पर बार बार आ रहा है कि आपके पास 28 तारीख लास्ट समय है ऑनलाइन अप्लाई करने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 13 तरह की पोस्ट हैं जिसमें आपका फील्ड मैनेजर पोस्ट रहेगा। इस कंपनी के अंदर एक फील्ड मैनेजर नाम की एक पोस्ट है, जिसके अंदर 48 लोग रिक्रूट होंगे। कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर वो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस पास आउट है एक इस है ना, तो वो इस फॉर्म पे, इस वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। सेम कैंडिडेट ग्रेजुएट है, बीए या बीए कराए या फिर बीएससी कराए, ठीक है, वो उसके ऊपर रहेगा, यानी कि वो बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स उस फील्ड के अंदर पास आउट है, सेल्स ऑफिसर के पोस्ट को वो ले सकता है। 72 वैकेंसी है। सैलरी सबसे ज़्यादा अच्छी अगर आप बात करो तो यहाँ पर सबसे अच्छी सैलरी यहाँ पर है फील्ड मैनेजर की, जो कि रहेगी 38,000 से लेके 43,500 तक। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो यहाँ पर सैलरी मिलेगी, तो मैं आपको कन्फर्म करता हूँ, फील्ड मैनेजर को 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने हैं, ठीक है। हाँ, प्राइवेट कंपनी, इस बात का ध्यान रखना, 40,000 पर मंथ मिलेंगे, और 21 से लेकर 35 एज अगर आपकी इसके बीच में कहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इस वाले पोस्ट पे अप्लाई या किसी पे भी अप्लाई करोगे तो आप क्लिक नाउ पे क्लिक करोगे, सेम लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग अपने फॉर्म को अलग अलग भरोगे, हर पोस्ट के लिए अलग अलग भरना, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिर्फ 12th पास है और कहता है कि मैं तो यार 12th पास वाली वैकेंसी ही ले पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप लोग अगर 12th पास हो तो आप लोग टेक्निकल सुपरविजन की वैकेंसी ले सकते हो, लेकिन आपकी टेक्निकल सुपरविजन के अंदर आपका आईटीआई ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। सेम अगर आप अनट्रेंड सुपरविजन का पोस्ट लोगे तो 146 वैकेंसी है, जिसमें आपको 12th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। सेम अगर आप हेड क्लर्क का पोस्ट लोगे तो भी आप 12th पास हो, किसी से भी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी फील्ड का हो सकता है यहाँ पे, तो इन वैकेंसियों को ले सकता है। अब 12th पास वाला 10th पास वालियों को भी ले सकता है, ठीक है। 12th पास वाला स्टोर कीपर का पोस्ट ले सकता है, 10th पास 12th पास वाला अगर चाहे तो 8th पास वाली वैकेंसी को भी ले सकता है। एक्सपीरियंस, इस फील्ड एक्सपीरियंस अगर कहीं लिखा है तो उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपका लगेगा, ठीक है। सेम अब वो एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया कितना होना चाहिए। अगर आप पीयून का लोगे, और अगर आप मान लो हैवी लेबर का पोस्ट लोगे जो कि शिफ्टिंग और लॉजिंग जैसा आपका काम रहेगा इसके अंदर, तो आपको बता दूँ, तो आपका अगर आप 5th पास हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। प्लस इलिटरेट, मतलब आप लोग अगर सिर्फ 5वीं पास हो, मतलब 5th पास लोग भी इसमें वैकेंसी
ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ क्लास से लेकर ग्रेजुएट तक की वैकेंसीज है, बैचलर पास आउट तक की वैकेंसी है। एज सबकी 21 से 35 ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सैलरी में फ़र्क आएगा पोस्ट वाइज, ठीक है। अभी मान लो मेरे को दिख रहा है कि यार मेरे को चाहिए पोस्ट टेलीफोन ऑपरेटर की, ठीक है, क्योंकि मैं 10th पास हूँ सिर्फ, तो मैं इस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। साथ साथ मैं जो है स्टोर कीपर पर भी अप्लाई कर सकता हूँ और बाकी इन सारी पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकता हूँ जो भी 10th पास के अंदर आ रही है। लेकिन मुझे इतना याद रखना है कि मुझे हर पोस्ट का फॉर्म अलग अलग भरना है, जिससे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो और मेरा एक्सेप्ट हो जाए सारा फॉर्म। हर पोस्ट के लिए मुझे अलग अलग फीस पे करनी होगी, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप करोगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑल इंडिया लो भाई, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, इसमें लिख के भी बता दूँ लोगों को, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया से फॉर्म भरो, बिल्कुल जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दो, कोई इसमें एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये पूछते हो मेरे से कि सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है, तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप बीए और बीएससी नर्सिंग, बीए या फिर बीएससी में से आप किसी भी एक कोर्स के अंदर, इस फील्ड के अंदर अगर आप पास आउट हो, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस पोस्ट को जरूर लें, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी, 48 लोग रिक्रूट होंगे दिल्ली में, और आपकी जो सैलरी होगी 40 से लेकर 45,000 तक की होगी, एज आपकी ये रहेगी, ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि आप लोग अगर वैकेंसी वाइज देखोगे कि आपका चांस कहाँ लग जाएगा, तो आपको बता दूँ चांस तो भाई देखो सबसे ज़्यादा चांस इस वाले वैकेंसी पर है, क्योंकि इसमें 650 वैकेंसी आई है। लेकिन अगर आप वैकेंसियों का ना देखो, अपनी क्वालिफिकेशन पर ट्रस्ट है आपको, आपको पता है इंटरव्यू निकल जाएगा, तो ऐसे में आप कोई सी पोस्ट ले सकते हो, तो आप इस वाले पोस्ट को लो, इससे बढ़िया पोस्ट कोई सी भी नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप सारा यहाँ पर देख ही सकते हो। सबसे कम अगर सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 17,000 के बीच वाली सैलरी है इस पोस्ट पे, इस वाले पे 15,000 मिलनी है, और सबसे मैक्सिमम 45,000 सैलरी है, 40 to 45,000 है। और अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 24 से लेकर 26,000 का सैलरी है एवरेज पोस्ट पर, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख लो, ये आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन यही था, आपका डिस्कस हो गया है। मैंने फॉर्म की डेट लोगों को क्लियर बता दी है, लोगों को समझ आ रही होंगी फॉर्म की डेट। चलिए मैं एक बार आगे बढ़ूंगा इसी में। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ आपके लिए, दो तीन पॉइंट आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड इंश्योर कि वो अप्लाई करने से पहले जान ले कि वो क्वालिफाई है या नहीं है इसके लिए, ठीक है, उस पोस्ट के लिए। नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म भरने के बाद कोई आपको करेक्शन नहीं मिलेगा। तो फॉर्म में अगर आप सही में एलिजिबल हो तभी फॉर्म भरें। आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ द फॉर्म कैरिड आउट ओनली शॉर्ट लिस्टेड। अब देखिए ये कंपनी करेगी क्या, आप लोग सब फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद ये कंपनी ऐसा करेगी, एक लिस्ट बनाएगी जिसमें ये देखेगी, लोगों को सिलेक्ट करेगी, खुद की मर्जी से सिलेक्ट करेगी, देखेगी हाँ भाई ये कोई रोहन नाम का कैंडिडेट है, ठीक है, ये कोई श्याम नाम का कैंडिडेट है, और ये कोई सुनीता नाम की कैंडिडेट है, मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सुनीता नाम की कैंडिडेट है, कोई उन्होंने देखा ये कोई प्रियंका नाम की कैंडिडेट है, ठीक है, और उन्होंने फिर देखा कि ये कोई जो है काजल, काजल नाम की कैंडिडेट है, तो ये कैंडिडेट के नाम आए उनके पास, काजल नाम मान ले लेते हैं हम, काजल, प्रियंका, और ये सुनीता, और ये रोहन, ये हमने चार कैंडिडेट ले लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, मान के चले इन सभी ने फॉर्म भरे, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट ऐसे करा कि भाई देखते हैं कि फॉर्म में जो जो लोगों ने दिया है उनके हिसाब से, देखिए डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाते हैं फॉर्म भरने में ही, तो आप तब जब अपलोड करोगे तो वहाँ से वो अपने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, देखेंगे कि हाँ लोगों ने जो फॉर्म दिए हैं उसमें सारी जानकारी उनके द्वारा दी गई सही है। तो फिर ये लोग लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट करने के बाद, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, मतलब इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा, कहीं जाना नहीं है कैंडिडेट को, और उसका इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है, आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप देख सकते हो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, एक स्केड्यूल बताएगी कंपनी, उस समय पे आपका इंटरव्यू ले लेगी, और स्केड्यूल आप लोगों को मेल कर देगी या एसएमएस कर देगी, जो भी आप अपना मेल या फिर एसएमएस अपना जो है मोबाइल नंबर जो भी अपना दोगे फॉर्म भरते में, वहाँ पर आप लोगों को ये डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई हम इस दिन आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आप लोग अपना इंटरव्यू दे दो, ठीक है। और कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भरना चाह रहा है तो सेपरेट फॉर्म भरे, ठीक है, मैंने इस चीज़ को अभी बताया था। तो हर लोग, जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, एक अलग से हर पोस्ट के लिए एक अलग अलग जो है उनको फॉर्म भरना होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे अपॉइंट होने के लिए, इन इंडस्ट्रियल एरिया विल बी अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ योर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली स्टेट। तो आप अपने अपने एरिया के आसपास, मतलब अगर आप दिल्ली में भी नहीं रहते हो, मान के चले जो दिल्ली वाले लोग हैं उनके लिए तो इन्होंने साफ बता दिया है कि दिल्ली में आप जहाँ भी रहते हो, तो आपके जो पास में, आपके जिले, आपके जो पास वाले जिले में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो आपको ये वहीं पोस्ट करेगी, ठीक है, वहीं अपॉइंट करके वहीं वैकेंसी देगी, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन जो बाहर वाले होंगे उनको भी दिल्ली में ही वैकेंसी मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। ये तो आप समझ गए कि आप लोग को जो वैकेंसी मिलेगी वो दिल्ली में ही मिलेगी, तो सब लोगों को दिल्ली में ही वैकेंसी मिलनी है, और सब लोगों को अलग अलग फॉर्म भरना है अलग अलग पोस्ट के लिए, अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, अलग से फीस भरनी है और सब कुछ करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू की लिस्ट बनाएंगे कि किसको सिलेक्ट करना है, तो ये कंपनी खुद बनाएगी आपके फॉर्म को देखते हुए, ठीक है।
हाँ 28 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बताता हूँ फीस कितनी ली जाएगी और कितने कहाँ कहाँ इंटरव्यू होगा। तो दिल्ली जगह के साकेत, नेहरू प्लेस और बदरपुर, मेहरौली, द्वारका और रोहिणी, नवादा, नरेला और भजनपुरा और शाहदरा और मॉडल टाउन, मयूर विहार और करोल बाग, पीरागढ़ी और नांगलोई और नजफगढ़, ये सारी जगहें इंडिया इंडिया देश के यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है आपका दिल्ली, इसी जगह पर ये सारी जगह हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर आती हैं सारे एरिया। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें से कहीं पर भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। नहीं देखिए, एक बता दूँ, फी इंटरव्यू प्लेस इनमें से कहीं पर भी हो सकता है, इंटरव्यू होना ऑनलाइन है, ठीक है, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा लेकिन इन जगहों पर होगा, ठीक है। और आपको 290 रुपये, 290 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस देनी होगी। मतलब आप लोग फॉर्म भरोगे तो 290 रुपीज़ आप लोगों को एक पोस्ट के लिए देना होगा। एक एक ही पोस्ट पर एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है आप लोगों को। मतलब अगर आप कोई भी एक पोस्ट लोगे तो उसका एक ही फॉर्म भरना, ठीक है। भले ही आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हो लेकिन एक ही पोस्ट पर एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरोगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर लिया, किसी भी एक पोस्ट पर क्लिक करा तो मैं इस तरीके से यहाँ आऊँगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा आपके जो आपने डिटेल दिए हैं अपने क्वालिफिकेशन के उसके बेस पर, और ये कहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के 40% वेटेज 10th को देंगे और बाकी सारा आपके एडवांस को देंगे। जैसे कि किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएट पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उसकी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन से उसकी 60% वेटेज उठाएंगे और बाकी 40% डायरेक्ट 10th के बेस पर उठा लेंगे, ठीक है। और किसी कैंडिडेट ने 10th नहीं करी और वो उससे 5th क्लास वाली क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट लेगा तो उसकी 5th क्लास वाली क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसकी पूरी वेटेज रहेगी। इतना ध्यान सबको समझ आ रहा होगा, सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस बात का ध्यान रखना। जितने भी लोग इंडिया से एलिजिबल हैं इस वैकेंसी पर अप्लाई कर लें, याद रखना दोस्तों, इतना मैं साफ साफ बता दूं कि यहां पर आप लोग अगर किसी ट्रेड वाले वैकेंसी को ले रहे हो तो उस ट्रेड में आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग उस पोस्ट का वैकेंसी नहीं ले सकते हो, ये चीज़ें प्रोसेस रहेंगी। अब आपको करना क्या है, देखिए स्टेप बताया इन्होंने, आपको किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो अपना नाम बताओ, किस यूनिट के पोस्ट को लोगे, कौन सा ट्रेड आपने कराया है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है आपकी और क्या जेंडर है, सारा कुछ ये सब आपको देना होगा, आधार नंबर और ये सब आपको बताना होगा। और इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना है, देखिए सारा प्रोसेस इन्होंने बता दिया है, इस तरीके से पूरा फॉर्म भर लेना, पेमेंट भी कर देना, 290 रुपीज़ का पेमेंट होगा सिर्फ फॉर्म पे, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक है तो मेरे को कह रहे हैं कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मुझे तो भाई हैवी लेबर के पोस्ट पर अप्लाई करना है क्योंकि मैं तो मुश्किल से 6th क्लास तक स्कूल गया। तो मैंने इस तरीके इसको फिर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को इस पोस्ट पर अप्लाई करना है, मैंने अपना नाम बता दिया, भाई ये लो मेरा नाम आ गया यहाँ पे, फादर नेम मैंने दे दिया यहाँ पे, फिर मैंने कह दिया भाई मेरा जेंडर मेल है और इस तरीके से मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी और फिर मैंने बोला 10th। अब देखिए क्वालिफिकेशन 10th की, तो आप देखोगे कि भाई जब आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो इस पोस्ट के लिए तो 10th चाहिए ही नहीं, तो आप इसको खाली छोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि जिस पोस्ट पर जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, सिंपल सा, लोगों को सिर्फ उसके लिए वो सब बताना होगा। तो एड्रेस बताओ, ये सब बता के सबमिट करोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म भर लेना आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई होगा आप लोगों का, मुझे उम्मीद है लोगों को सब समझ आ रहा होगा एक एक चीज़। तो जल्दी ही जाएं इंडिया के सभी लोग इस वैकेंसी को लेने, और कोई डाउट आपका रह गया हो इस रिक्रूटमेंट के से जुड़ा हुआ तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और इस जानकारी को पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में शेयर करना, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।